नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। अलीगढ़ में स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे के यहाँ भगवत कथा के समापन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मदरसे के सारे विद्यार्थियों को ऐसे शिविरों में भेज देना चाहिए जहाँ इनके दिमाग में से कुरान का वारस निकाला जा सके। साथ ही उन्होंने अमियों को इस्लाम और भारत विभाजन का गढ़ बताते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ा देना चाहिए। उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कहा कि वो मस्जिद नहीं मंदिर है। हाल फिलहाल में कई ऐसी लिस्ट इंटरनेट पर खूब वायरल हुई जिनमें उत्तराखंड के कुछ प्रभावशाली लोगों के सगे संबंधियों को सरकारी विभागों में नौकरी दिए जाने के बाद प्रदेश की जनता में आक्रोश का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस बीच आरएसएस के प्रांत प्रचारक युद्धवीर सिंह यादव की सिफारिश पर बैकडोर से नियुक्तियां दिए जाने की लिस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसे संघ के सदस्यों द्वारा पूरी तरह से असत्य और भ्रामक बताया गया है। इसी बात को लेकर संघ के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और डीजीपी से भी मुलाकात की, जिसके बाद संघ के प्रांत कार्यवाहक दिनेश देमवाल की शिकायत पर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था। संघ का आरोप है कि जो लिस्ट वायरल हुई थी उनमें से कोई भी व्यक्ति ना तो उस जगह पर कार्यरत है और ना ही उनका किसी प्रकार का संबंध आरएसएस के प्रांत प्रचारक युद्धवीर यादव से है। इस लिस्ट को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सोशल मीडिया में पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे 20 विभाग की सूची उनके पास आई है जिनकी भर्तियां नियम विरुद्ध हुई है। ऐसे में हरीश रावत की पोस्ट पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत सुर्खियां बटोरने के लिए अपने सोशल मीडिया पर अनर्गलर बयानबाजी कर रहे हैं। इस समय एक जलजला सा आया हुआ है, हर नौकरी को जो है शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। अधीनस्थ चयन आयोग में, सचिवालय में, कॉपरेटिव में, बहुत सारी चीज़ों में, एलटी में, भर्ती में घोटाले सामने आए हैं। और जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, जो लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, उसमें जिन लोगों को जनता ने चुन के भेजा, जिनको विशेषाधिकार मिले जनता की वजह से, उन्होंने जनता की पीठ में चाकू भोंकने का काम किया है। ये हरीश रावत जी जिस प्रकार की बातें करते हैं, कभी भी हरीश रावत जी तथ्यात्मक बात नहीं करते। कल उन्होंने एक तथाकथित दिश डाली और आज उसे डिलीट कर दिया। हरीश रावत जी उत्तराखंड की प्रतिष्ठा को सोशल मीडिया में जिस प्रकार से खराब कर रहे हैं, उसके लिए हरीश रावत जी को और कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। हरीश रावत जी को याद करना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यकाल में 196 पोस्टें निकाली और उन 196 पोस्टों को कहा कि जाकर के उन लोगों को कहा कि पौड़ी जाकर के, टिहरी जाकर के आप अपनी ज्वाइनिंग ले लीजिए। और उस पर फिर हमारी सरकार जब आई, हमने उस पर उसको रिजेक्ट किया, उस पर जाँच करवाई। मैनपुरी के थाना भोगांव क्षेत्र के एक गांव में छेड़छाड़ से परेशान किशोरी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। किशोरी के मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक किशोरी के परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिनों से गांव का ही युवक किशोरी को परेशान कर रहा था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसपी कमलेश दीक्षित ने घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। भोगांव थाना अंतर्गत कल एक लड़की द्वारा आत्महत्या की घटना कारित हुई। इस संबंध में परिजनों के तहरीर के आधार पर दोषी के विरुद्ध धारा 306 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के ऊंचा गांव में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस आयोजन में क्षेत्रीय विधायक और सांसद पहुंचे, वहां उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन दिया। आयोजन में उपस्थित लोगों ने सप्लाई इंस्पेक्टर पर अवैध उगाही और भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए। सिद्धार्थनगर में रोड बनाने के लिए ग्रामीणों ने जिगनीवा चौराहे पर बांसी इटावा मार्ग जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। गुस्साए ग्रामीणों ने गाड़ियों पर ईंट पत्थर चलाए। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस जबरन रोड खाली करा रही थी, जिसके बाद उग्र भीड़ ने ईंट पत्थर चलाकर उपजिलाधिकारी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी की गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी। वहीं इसको लेकर अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मथुरा में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। साथ ही इसको लेकर मथुरा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे काफी संख्या में देसी तमंचर कारतूस बरामद हुए हैं।
उत्तराखंड की राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सेन सारगंज में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े के अंतर्गत बुद्धिजीवी सम्मेलन में पहुंचकर शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेश अक्षरा मंडल अध्यक्ष विजय सरूजा समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांसद ने भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारियां दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी के द्वारा सेवा पखवाड़ा बनाया जा रहा है, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रत्येक दिन के कार्यक्रम तय हैं, जैसे 17 तारीख को रक्तदान शिविर, मोदी जी के जीवन पे प्रदर्शनी का आयोजन जिला स्तर पे एक हुई थी, रक्तदान शिविर हमने हर विधानसभा में लगाए थे। इसी तरीके से 18 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामना संदेश भेजने का, जिसमें पोस्ट कार्ड के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप, ट्विटर, उस कार्यक्रम में कल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पोस्ट कार्ड लिख के लेटर बॉक्स में स्वयं पोस्ट किया। कार्यक्रम बहुत अच्छा था और अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरह से सेवा पखवाड़े को लेकर उत्साह है, जिस तरह की लगन है, वो मुझे ये तो आश्वस्त कर रही है कि हमारे इस सितारगंज में हमारा 2024 जन जन तक भारतीय जनता पार्टी को पहुँचा दे। क्या योजनाएं हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए तो मेरी पूरी पार्टी खड़ी है। अनेकों अनेक योजनाएं प्रदेश में भी हैं और केंद्र की भी आ रही हैं। मैं उन सब योजनाओं में सहभागिता करके उसका पालन करूँ। हरदोई के शहर कोतवाली पुलिस और एसएसजी टीम ने 3 विदेशी, 5 अंतर्राज्यीय समेत 8 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया और एक बाल जारी को भी संरक्षण में लिया है। ये ठग हरदोई के साथ साथ अन्य जगहों पर टप्पेबाजी और विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में बेचने का नाटक रचकर लोगों से ठगी किया करते थे। इनमें से 3 महिलाएं हैं, इनमें से 3 बांग्लादेश के रहने वाले हैं जबकि अन्य 11 जनपद के रहने वाले हैं। इनका एक साथी फरार है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस इनके पास से 33,000 रुपये बरामद किए हैं, वहीं विदेशी पासपोर्ट भी बरामद किया है। जनपद में कोतवाली शहर में 9 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें से एक बाल अपचारी है। इन लोग का जो है बांग्लादेशी होना ज्ञात हुआ है, एकाद लोग का बांग्लादेश में वैवाहिक संबंध भी ज्ञात हुआ है। इनके पास से 33,600 रुपये रियाल की विदेशी मुद्रा है, मोबाइल फ़ोन का भारी संख्या में, वो एक बांग्लादेशी पासपोर्ट बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये इसी प्रकार बांग्लादेश से आकर और विभिन्न प्रदेश व देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर सामूहिक रूप से या तो टप्पेबाजी करते थे या चोरी की घटनाएं करते थे। हमारे जनपद की भी 5 घटनाएं इनके द्वारा स्वीकार की गई। सहारनपुर के थाना सदर बाजार के असनपुर कस्बे की एक महिला रोशनी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर पिंडाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि थाना सदर के असनपुर में एक महिला का उसके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को अपने कब्जे में लेकर इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सहारनपुर में हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक चौधरी विश्व सिंह काम्बोज ने बताया कि रामलीला और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में अश्लील नृत्य और फिल्मी गीतों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सहारनपुर के डीएम को एक ज्ञापन हमने सौंपा है। ज्ञापन देने वालों में अभिषेक, अंकित काम्बोज, शक्ति राणा, तमाम लोग शामिल बताए जा रहे हैं। मैं चौधरी विश्व सिंह काम्बोज, हिंदू योद्धा परिवार से। आज हम सभी हिंदू जो है डीएम साहब के पास, जिलाधिकारी मोदी के पास, जो ये रामलीला व अन्य धार्मिक आयोजनों पर जो अश्लील नृत्य वे जो फिल्मी गीतों पर नृत्य कराया जाता है, उसकी रोक के लिए ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमने डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने कुछ इस प्रकार जो हमने जिलाधिकारी साहब को सौंपा है, मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ कि वैसे तो संविधान में देश के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिससे लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता कहीं कहीं ऐसा उदाहरण पेश करती है कि लोग स्वच्छंद होकर रामलीला व अन्य धार्मिक मंचों से मनमानी करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वाल इंडिया के साथ।